जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दशहरा पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों पर कहा कि दशहरा पर्व पर निकलने वाली शोभा यात्रा व मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के साथ बैठक की गई है, जिसमें अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें कुछ कमियां निकल कर आई थी। कुछ जगहों पर सड़क, लाइट, बिजली के तार नीचे हैं तथा मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने के लिए सभी को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दोबारा भी चेक किया जा रहा है, अगर कोई कमी निकल कर आती है तो दशहरा से पहले ठीक करवा लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, इसके लिए समस्त विभाग से कोऑर्डिनेशन मीटिंग करा लिया गया है। हमारे सभी SDM साहब लोग, ADM साहब लोगों ने एक जॉइंट मीटिंग भी किया, जिसमें जो जो कमियां निकल के आई थी, जैसे सड़क है, लाइट है, बिजली के तार कुछ नीचे हैं, कुछ अस्थाई तालाब बनाने का, तो वो सभी समस्या का निस्तारण करा लिया गया है। दोबारा भी चेक किया जा रहा है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। फिर भी कुछ कमी अगर निकल के आती है तो अभी 1 से 2 दिन हमारे पास है, उसको हम लोग ठीक करा ले जा रहे हैं। सभी जगह ड्यूटी लगा दी गई है जॉइंट सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की, और इसको हम लोग निरंतर देख रहे हैं।